हमारी दोस्त की कॉमन पार्टी में हम मिले थे और हम दोनों यही बात करना शुरू करा था कि क्या यार लोग हमें क्या समझते हैं कि जैसा उन्होंने हमें स्क्रीन पे देख लिया हम ऐसा होते हैं। तो मियाँ को भी यही मुझे बता रही थी और फिर हमने काफ़ी ज़्यादा उस दिन एक साथ गुजारा व्यतीत किया। फिर पता चला कि हम दोनों के अंदर काफ़ी कॉमन फैक्टर है एंड दैट्स हाउ वी टुक इट अप फर्दर। प्रपोज करते कौन सी ये हफ्ते में दो बार तो प्रपोज करते हैं, इज वेरी रोमांटिक, ही लव्स मी सो मच। और जब भी प्रपोज करते हैं कुछ ना कुछ उनका गिफ्ट होता है, तो आज तो आधी चीज़ें खोल के आई हूँ, बाकी इसमें से कुछ देखो इसमें तीन चार इन के दिए हैं। और ड्रेसेस, ही लव्स टू गिफ्ट मी ड्रेसेस बिकॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रेसेस, ही लव्स माई स्माइल। सो यही बोलते हैं मियाँ, आप जब भी मेरे साथ चलोगे वेदर यू फॉरगेट एवरीथिंग बट डू नॉट फॉरगेट टू वेयर योर स्माइल। खुशी हो या गम हो लेकिन जिंदगी पे हमेशा मुस्कुराहट लेके चलो, किसी सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप पे क्या गुजर रही है। सही, मैंने जैसे बोला कि मुझे फिक्शन करना है और मियाँ के ड्रीम्स हैं फिल्में करने की, तो हम दोनों अपने अपने करियर में लगे हुए और ऑफकोर्स मेरा फॉरे जो है वो योगा है, तो मैं ये साथ साथ योगा की वर्कशॉप के बिना तो काम भी नहीं चलता है, योगा इज़ अ ब्रेथ टू माई लाइफ, तो वो चल रहा है और अपनी कोशिशें जारी हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, एक दूसरे को संभाला हुआ है, तो ऐसे मंजिल मिल जाएगी। बाकी देखते हैं एज अ कपल हम दोनों ट्राई कर रहे हैं कोई रियलिटी शो मिल जाए या कोई कोई भी डांस से रिलेटेड हो कुछ भी हो, बिकॉज हम दोनों बहुत अच्छे बेहतरीन डांसर हैं। So we would like to explore it publicly as well. We shouldn't be gender bias कि हर इंसान promiscuous होता है, वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आज की डेट में ना आप लड़के को 100% छूट गारंटी कर सकते हो ना लड़की को, तो उसको जेंडर बायस नहीं होना चाहिए कि आज के यूथ में ना पेशेंस लेवल नहीं रह गया है और कम उम्र में वो बड़े हसीन सपने चुन लेते हैं। जब उनकी उम्र ये होती है कि करियर पे ध्यान दो तो उसी समय वो घर बसाने की बातें सोचने लग जाते हैं, तो जब उन सपनों का टकराव जब आपकी निजी ज़िंदगी से होता है और जब असलियत से होता है तो फिर आप धरातल पर होते हो, इसीलिए आप उन चीज़ों को वो हवाई के लिए रह जाते हैं बस बन के। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप एक सफोकेटिंग रिलेशनशिप हो जाएगी और आप शायद 10 दिन 15 दिन 1 महीने से ज़्यादा उसको निभा नहीं पाओगे। वो एक 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 ऐसी दहलीज होती है जिससे पूरी ज़िंदगी फिर ऊपर उठती है। कामयाब हस्बैंड या कामयाब बॉयफ्रेंड होने के लिए क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने जो पार्टनर हैं उनको समझो, उनकी ज़रूरतों का ध्यान दो और उन पर इतनी बंदिशें मत रखो कि वो एक एक पिंजड़े में कैद हुए पंक्षी जैसे हो जाएं। अगर उनकी कुछ तमन्ना है ज़िंदगी में करने की तो आप एज अ ट्रू पार्टनर उनकी ज़िंदगी में हेल्प करो। जैसे बोला एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी लगती है, ही गिव्स मी स्पेस, इज़ वेरी सपोर्टिव। मैंने बाकी किसी को बोले जैसे मेरे भी फ्रेंड्स अगर कुछ भी हो अगर वो बोलते मैं यहाँ जा रहा हूँ तो उनके बॉयफ्रेंड्स के 36 कॉल 36 क्वेश्चन्स, माई गाइस मुझे बस इन्फॉर्म करना कि बेबी आई एम गोइंग देयर, इस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इतने से इतने बजे तक आ जाऊँगी, एंड ही वोंट इवन डिस्टर्ब मी, बट ही जस्ट गोना आस्क मी कि बेबी हो गया कैसे हुआ नहीं हुआ, ही इज़ ऑलवेज रेडी एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। अंडरस्टैंडिंग लेवल आई एम द मेन थिंग।